आज के इस वीडियो में हम वज्रगुणन विधि और प्रश्नावली 3.5 के कुछ प्रश्न हल करेंगे, जो कि क्लास 10 चैप्टर नंबर 3 का टॉपिक है। हेलो माय ऑसम स्टूडेंट्स, मेरा नाम है नैना और मेरे चैनल अक्षर विद्यालय में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक वज्रगुणन विधि क्लास 10 चैप्टर नंबर 3 और प्रश्नावली 3.5। तो वज्रगुणन विधि हमारे पास क्या होती है? वज्र का मतलब होता है हमारा क्रॉस और गुणन का मतलब मल्टीप्लिकेशन। तो ऐसी विधि जिसमें कि हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तभी हमारे पास समीकरण का हल आएगा, तो ऐसी विधि को हम क्या बोलते हैं? वज्रगुणन विधि। वज्रगुणन विधि को पढ़ने से पहले हमें विलोपन विधि अच्छे से आनी चाहिए, क्योंकि इसका जो रिजल्ट है वो हमें विलोपन विधि से ही निकालना है। तो अगर आपने विलोपन विधि पहले नहीं समझी है तो आप मेरी पिछली वीडियो में पहले विलोपन विधि समझ सकते हैं। तो विलोपन विधि में हमारे पास सबसे पहला स्टेप नंबर 1 क्या था? स्टेप नंबर 1 मेरा था विलोपन विधि में। अब अगर मेरे पास ये दो सिंपल समीकरण दी हुई हैं तो विलोपन विधि का सबसे पहला स्टेप क्या था मेरे पास, कि मुझे दोनों समीकरण में जो x के आगे वैल्यू लिखी है वो मुझे क्या करनी है? बराबर करने के लिए हम क्या करते हैं, पहली समीकरण को दूसरी समीकरण के x के नंबर से गुना करते हैं और दूसरी समीकरण को हम किससे गुना करते हैं, पहली समीकरण के आगे जो x लिखा हुआ है यानी कि a1 से। तो पहली समीकरण को जब a2 से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, a1 a2x प्लस ये a2 इससे भी गुना होगा, यानी कि ये क्या बन जाएगा, a2b1y प्लस ये a2c1 से भी गुना होगा, यानी कि ये क्या बन जाएगा, a2c1। तो ये बन गई मेरी क्या, तीसरी समीकरण। ठीक है, अब इसी तरह से मुझे दूसरी समीकरण को किससे गुना करना है, a1 से। a1 से अगर गुना करूँगी तो ये क्या बन जाएगा, a2x प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा, a1b2y प्लस अब ये c2 भी मेरा किससे गुना होगा, a1 से। c2 अगर a1 से गुना होगा तो क्या आ जाएगा, a1c2 बराबर 0। तो ये मेरी क्या बन गई, चौथी समीकरण। इसके बाद स्टेप नंबर टू क्या था हमारा उसका, विलोपन विधि का, कि तीसरी समीकरण में से मुझे चौथी समीकरण क्या करनी है, माइनस करनी है। अब अगर मैं माइनस करूँगी तो यहाँ पे मेरे साइन बदल जाएंगे, ठीक है जी। अब ये इससे कट गया क्योंकि आप देख रहे हो कि ये दोनों सेम टर्म्स हैं, तो ये वाली टर्म आपस में कट गई, बचा क्या, a2b1y देन माइनस का साइन, क्योंकि अब ये माइनस की हो चुकी है, माइनस a1b2y प्लस ये क्या है मेरा, a2c1 देन माइनस a1c2 बराबर 0। ठीक है, अब इन दोनों में से अगर आप देखोगे ध्यान से तो पहली दोनों टर्म्स में से मेरे पास y क्या आ रहा है, कॉमन, तो ब्रैकेट के अंदर क्या बच जाएगा, a2b1 माइनस a1b2 देन प्लस a2c1 माइनस a1c2 बराबर 0। ठीक है, अब इसके साथ y इंटू a2b1 माइनस a1b2 बराबर, अब ये वाली टर्म इधर माइनस की है तो दूसरी तरफ जाके जीरो की किसकी हो जाएगी, प्लस की। ऐसे ही ये प्लस की है तो इक्वल टू के उधर जाके किसकी हो जाएगी, ये माइनस की। तो अब अगर ये माइनस की हो गई, अब ये वाई के साथ इधर गुना में है तो वाई के साथ अगर गुना में है तो इधर जाके नीचे जाके किसकी हो जाएगी, भाग की। तो मुझे कुछ भी नहीं करना, मुझे एज इट इज़ जो ये वाली टर्म है ये नीचे यहाँ पर भाग में लिख देनी है, माइनस a1b2। तो ये मेरी किसकी वैल्यू आ गई, y की। और ये हमने सारा कुछ किससे निकाला, हमने ये सब कुछ निकाला विलोपन विधि यूज़ करके। अब विलोपन विधि का तीसरा स्टेप क्या बोलता है, तीसरा स्टेप क्या है कि जो y की ये वैल्यू आई है मेरी, ये मुझे किसी भी एक समीकरण में रखनी है तो मेरे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू। तो मेरे पास समीकरण क्या है, पहली समीकरण में रख देते हैं, पहली समीकरण क्या है, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। तो a1x प्लस b1y की जगह पे ये पूरी वैल्यू रखेंगे तो क्या आएगा, a1c2 माइनस a2c1 बटे में a2b1 माइनस a1b2
टू प्लस सी वन बराबर जीरो। अब क्या है हमारे पास, अब हमारे पास ये भी प्लस की और ये भी प्लस की, इक्वल टू के उधर जाके दोनों किसकी हो जाएंगी, माइनस की, माइनस का पी वन ए वन सी टू माइनस ए टू सी वन बटे में ए टू बी वन माइनस ए वन बी टू माइनस का सी वन। ये वाली भी माइनस की हो जाएगी और ये वाली भी किसकी हो जाएगी, माइनस की। तो यहाँ से क्या गया, ए वन एक्स बराबर बी वन को अंदर गुना कर दें, बी वन ए वन सी टू, ये माइनस और माइनस किसका हो गया, प्लस का, बी वन ए टू सी वन बटे में ए टू बी वन माइनस ए वन बी टू और ये सी वन किसका, माइनस का। ठीक है जी, अब हमारे पास क्या हो गया, अब एक नंबर भाग में है और एक संख्या ऐसे ही है, तो ऐसी संख्याएं हमेशा मैथ्स में कैसे सॉल्व होती हैं, एलसीएम लेकर, इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, ए टू बी वन माइनस ए वन बी टू। अब ऊपर ये वाली संख्या तो ऐसे की ऐसे आ जाएगी, प्लस बी वन ए टू सी वन माइनस, अब ये सी वन जो है एक बार इससे गुना होगा, फिर ये सी वन एक बार इससे गुना होगा, यानी कि सी वन ए टू बी वन और ये माइनस और माइनस साइन क्या बन जाएंगे, प्लस के, तो ये आ गया सी वन ए वन बी टू। ठीक है जी, अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपकी कुछ दो टर्म्स जो हैं आपकी वो कैंसिल हो जाएंगी। कौन कौन सी कैंसिल हो रही हैं, ये बी वन ए टू सी वन, ये भी क्या है, बी वन ए टू सी वन, एक प्लस की एक माइनस की, ये इस दोनों टर्म्स आपस में क्या हो गई, कैंसल आउट हो गई। तो अब मेरे पास क्या बच गया, ऊपर से सी वन ए वन बी टू, ये प्लस का लिख दिया मैंने पहले, और ये वाला टर्म माइनस का, माइनस का इधर लिख देंगे, बी वन ए वन सी टू बटे में ए टू बी वन माइनस ए वन बी टू, और यहाँ पर क्या है मेरे पास बचा हुआ, ए वन एक्स। ठीक है, अब ए वन एक्स बराबर इस वाली और इस वाली टर्म में से आप देखो अगर ध्यान से तो क्या चीज़ कॉमन है, ए वन इसके पास भी और ए वन इसके पास भी है, तो ए वन बाहर निकाल लूँ कॉमन, अंदर क्या रह गया, सी वन और बी टू, देन माइनस दूसरी टर्म क्या रह गई, बी वन और सी टू बटे में ए टू बी वन माइनस ए वन बी टू। तो ए वन से ए वन कट गया, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, b2 c1, बस इन दोनों को मैंने आगे पीछे करके लिख दिया, b2 c1 माइनस b1 c2 बटे में a2 b1 माइनस a1 b2। तो ये किसकी वैल्यू आ गई, मेरी x की। ठीक है जी, सारा कुछ किससे किया हमने अभी तक, विलोपन विधि से। अब इसी विलोपन विधि को, रूल को, हम जो x और y की वैल्यूज़ आई हैं इन्हीं रूल्स को हम किस में बदलेंगे, वज्र गुणन विधि में, कि वज्र गुणन विधि में हमको आंसर कैसे निकालना है। y की वैल्यू क्या आई थी, बटे में a2 b1 माइनस a1 b2। ठीक है, तो अब अगर इन दोनों रिजल्ट्स को मुझे वज्र गुणन विधि की फॉर्म में लिखना हो बटे में, तो ये वाली टर्म इधर ऊपर है, नीचे जाके एक्स के साथ किस में हो जाएगी, भाग में, b2 c1 माइनस b1 c2 बराबर एक बटा a2 b1 माइनस a1 b2। इसी तरह से y के साथ भी हम लिख सकते हैं, ये वाली टर्म इधर जाके बटे में हो जाएगी, a1 c2 माइनस a2 c1 बराबर एक बटा a2 b1 माइनस a1 b2। ठीक है जी, अब आप अगर देखो तो क्या हो रहा है यहाँ पे, इसको और इस वाले टर्म को देखो अगर ध्यान से, तो यहाँ पे क्या है, एक बटा ए टू बी वन, यहाँ पे भी एक बटा ए टू बी वन, माइनस एवन बी टू, माइनस एवन बी टू। तो ये वाली दोनों टर्म्स इसके बराबर हैं, तो यानी कि ये सारी टर्म्स आपस में क्या हो गई, बराबर हो गई। तो यानी कि हम क्या कह सकते हैं, एक्स बटा बी टू सी वन माइनस बी वन सी टू बराबर है किसके, एक बटा ए टू बी वन माइनस ए वन बी टू बराबर है किसके, वाई बटा ए वन सी टू माइनस ए टू सी वन बराबर है किसके, एक बटा ए टू बी वन माइनस ए वन बी टू। क्योंकि ये वाली दोनों टर्म्स आपस में बराबर थी और ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, तो आपस में चारों टर्म्स क्या हो गई, ये बराबर हो गई। अब
तो ये वाली सारी टर्म्स हमारी आपस में बराबर हैं, तो यहाँ पे हमने लिख दिया x बटा बी टू सी वन माइनस बी वन सी टू बराबर y बटा ए वन सी टू माइनस ए टू सी वन बराबर एक बटा ए वन बी टू माइनस ए टू बी वन। ठीक है जी, बट इस तरह से आपको ये सारी टर्म्स याद रखना बहुत मुश्किल होगा। अब ये वाला रिजल्ट कैसे याद रख सकते हैं कि हमने क्या किया, यहाँ पे b1 c1 a1 b1 ये ऊपर वैल्यूज लिखी, नीचे b2 c2 a2 और b2, b1 से शुरू किया b1 फिर c1, b के बाद c, c के बाद फिर से a, a के बाद फिर से b, ऐसे b1 ऊपर लिखा और b2 c2 a2 b2 नीचे लिखा। तो अब इनको हमें बस क्रॉस मल्टीप्लाई करना है और अपना आंसर लिख देना है, यानी कि x के बटे में क्या आ जाएगा, b1 c2 माइनस, माइनस का साइन लगाएंगे, ऊपर क्या आएगा b2 c1 बराबर y बटे में c1 को किससे गुना करना है, a2 से, बीच में साइन किसका लगाना है, माइनस का, और ये क्या आएगा c2 a वन। अब ये किसके बराबर है, एक बटे में ए वन बी टू माइनस का ए टू बी वन। ठीक है, अब अगर आप देखोगे तो इस और इस रिजल्ट में प्लस और माइनस का डिफरेंस है कि जो टर्म यहाँ प्लस की है वो यहाँ माइनस की, जो यहाँ प्लस की है वो यहाँ माइनस की, तो उससे हमारे आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि अगर मैं यहाँ से भी माइनस साइन कॉमन निकाल लूँगी तो वो माइनस और ये माइनस आपस में कट जाएगा। तो आप इस वाले आंसर से भी निकाल सकते हो और इससे भी निकाल सकते हो, बट प्रेफर आप यही करना कि आप ये वाला रिजल्ट यूज़ करो, क्योंकि आपको इससे जो फॉर्मूला निकालना है, जो इसकी बेस बेस वाली टर्म्स से याद करनी है, अंश की, हर की, डिनोमिनेटर की, तो वो आपको यहाँ से याद करनी आसान है, वरना रिजल्ट हमारे ये दोनों सेम है। ठीक है, तो इससे हमने ये वाले रिजल्ट्स, मैंने आपको पहली वीडियो में भी बताए थे जब हमने थर्ड चैप्टर स्टार्ट किया था, कि हमारे पास ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, और अब हम इन्हीं क्वेश्चंस को दोबारा से यूज़ करेंगे इसी टेबल को, कि अगर एक हल है तो हमारे पास रूल क्या होता है, ए वन बटा ए टू किसके बराबर नहीं होना चाहिए, बी वन बटा बी टू के। अपरिमित रूप से अनेक हल कब होंगे, जब ए वन बटा ए टू, बी वन बटा बी टू और सी वन बटा सी टू आपस में क्या होंगे, बराबर, और कोई हल नहीं होने का मतलब ए वन बटा ए टू और बी वन बटा बी टू बराबर हैं, लेकिन सी वन बटा सी टू हमारे बराबर नहीं है। ठीक है, इसी टेबल को हम, इन्हीं कैलकुलेशंस को अब हम अगले क्वेश्चंस में यूज़ करेंगे। बढ़ते हैं पहले उदाहरण की तरफ, वज्रगुणन विधि का उदाहरण नंबर 14, जिसमें क्या है कि बेंगलोर के एक बस स्टैंड से यदि हम दो टिकट मल्लेश्वरम तथा तीन टिकट यशवंतपुर की खरीदें तो कुल लागत कितनी है, 46 रुपये। तो जैसे हमने ये वाले क्वेश्चंस पहले किए थे वैसे ही हम अब करेंगे। माना कि मल्लेश्वरम का किराया जो है वो कितना है मेरा, x रुपये, और जो यशवंतपुरम का किराया है वो मेरा कितना है, y रुपये। ठीक है, तो इसके बाद उन्होंने क्या बोला है, अगर आपको पता हो कि एक पेंसिल की कीमत x रुपये है तो दो पेंसिल की कीमत कितनी होगी, 2x होगी। ठीक है, तो इसी तरह से उसने दो टिकट खरीदे तो दो टिकट का किराया कितना हो गया, 2x, और जो तीन टिकट यशवंतपुर के खरीदे उसका किराया कितना हो जाएगा, 3y, और दोनों किराए को मिलाकर जो उसकी कुल लागत आई वो कितनी आई, 46 रुपये। ये क्या बन गई मेरी, पहली समीकरण। लेकिन परंतु यदि हम तीन टिकट मल्लेश्वरम के, तीन टिकट मल्लेश्वरम के खरीदेगा तो कितना किराया देना पड़ेगा, 3x, और पांच टिकट यशवंतपुर के खरीदे यानी कि 5y, तो कुल लागत कितनी है, 74 रुपये। ठीक है, तो ये आ गई मेरी दूसरी समीकरण। अब इसके बाद हमने किससे सॉल्व करना है इसको, वज्रगुणन विधि द्वारा। तो वज्रगुणन विधि में हमारे पास क्या होता है, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। इसी तरह से दूसरी समीकरण क्या होती है, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। तो आप देख रहे हो कि c1 जो है वो यहाँ पे हमारे पास, हमारी जो मेन समीकरण है उसके अंदर c1 कहाँ पर है, लेफ्ट हैंड साइड पर, लेकिन हमने जो निकाली है उसमें कहाँ पर है, राइट हैंड साइड पर। तो हम अपने इस समीकरण को बदल देंगे और वो क्या बन जाएगी, 2x प्लस 3y माइनस 46 बराबर 0। ये 46 इधर प्लस का, इधर जाके माइनस का। इसी तरह से 3x प्लस 5y माइनस 74 बराबर 0।
ठीक है जी। अब आपको क्या करना है, आपको वैल्यूज़ निकालनी है किसकी, a1 कितना है आप देखोगे तो इसके x के साथ a1 लिखा है और इसके x के साथ क्या लिखा है, 2, तो a1 की वैल्यू कितनी आ गई, 2। इसी तरह से a2, इसके साथ a2 के साथ x लिखा है, यहाँ a2 के इसके साथ x के साथ क्या लिखा है, 3, तो a2 की वैल्यू आ गई 3। यहाँ y के साथ b1 लिखा है, यहाँ y के साथ क्या लिखा है, 3, तो b1 की वैल्यू 3 और b2 की वैल्यू इसी तरह से कितनी आ जाएगी, 5। c1 कितना आ जाएगा मेरा, यहाँ c1 प्लस का है लेकिन हमारी समीकरण में c1 किसका आ रहा है, माइनस का, तो c1 आ गया माइनस का 46 और c2 कितना आ गया मेरा, माइनस का 74। अब वज्रगुणन विधि से निकालने का हमने क्या तरीका सीखा, पीछे हमें क्या फॉर्मूला लगाना है, x, y और 1, हमें b से स्टार्ट करके b c a then b, ये क्या है b1 c1 a1 और फिर से b1, लेकिन नीचे क्या लिखना है हमको, b2 c2 a2 और b2, इन दोनों को मुझे क्या करना है, आपस में गुना और माइनस, तो मेरे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, x और y का हल आ जाएगा, ठीक है जी। तो x के बटे में क्या लिखना है, b1 गुना c2, b1 कितना है 3 गुना c2 कितना है मेरा, माइनस का 74। देन फॉर्मूले में क्या था यहाँ पे, माइनस साइन, देन b2 into c1, b2 क्या है मेरा 5 इंटू c1 कितना है मेरा, माइनस का 46। ये किसके बराबर था, y बटे c1 a2, क्या था फॉर्मूला, c1 a2 minus c2 a1, तो c1 कितना है मेरा यहाँ पे, माइनस का 46 और a2 कितना है मेरा 3, देन माइनस c2 कितना है मेरा, माइनस का 74 और a1 कितना है मेरा 2 बराबर 1 बटा, अब क्या बनना है फॉर्मूला, a1 b2 minus a2 b1, a1 कितना है 2, b2 कितना है मेरा 5, माइनस a2 कितना है 3 और b1 कितना है 3। बस आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जब आप ये कैलकुलेशंस कर रहे हो, ये वैल्यूज पुट कर रहे हो, तो आपको सही वैल्यू पिक करनी है, ठीक है, साइन का ध्यान रख के। तो जब इसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे, गुना करेंगे 3 को 74 से, तो कितना आ जाएगा 222, फिर ये माइनस और माइनस साइन क्या बन जाएगा, प्लस का 230, फिर ये 46 गुना 3 कितना आ गया, माइनस का 138, इसी तरह से माइनस और माइनस हो गया प्लस, ये बन गया 148, यहाँ से क्या आ गया 10 माइनस 9, ठीक है जी। तो मेरे पास क्या आ गया, x बटे 8 बराबर y बटे 10 बराबर 1 बटा 1। तो हम क्या करेंगे, एक बार हम कहेंगे कि x बटे 8 जो है वो 1 के बराबर है, या फिर y बटे 10 किसके बराबर है, 1 के बराबर, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके आंसर क्या आ जाएगा, x बराबर 8 और y बराबर 10। तो ये थी हमारी वज्रगुणन विधि, जिसके अंदर आपको क्या करना है, a1 a2 b1 b2 की वैल्यूज निकालनी है और इस फॉर्मूले में पुट करनी है, तो आपके पास x और y का हल आ जाएगा, ठीक है जी। अब अगले क्वेश्चन में, अगले उदाहरण में क्या बोला है, उदाहरण नंबर 15 में, p के किन मानों के लिए निम्न समीकरण के युग्म का एक अद्वितीय हल है, इसका अद्वितीय हल बताना है हमको किसके लिए है, ये पहली समीकरण और ये दूसरी समीकरण, ठीक है जी। तो इसके अंदर क्या होगा, वही अद्वितीय हल के लिए क्या कंडीशन होती है हमारे पास, उन्होंने हमको पहले ही बता दिया कि जो ये दोनों दी हुई समीकरण हैं, इन दोनों के लिए क्या होगा, अद्वितीय हल, केवल एक अद्वितीय हल। एक अद्वितीय हल के लिए क्या कंडीशन बताई थी मैंने टेबल में अभी आपको पीछे, a1 बटा a2 जो है वो किसके बराबर नहीं होगा, b1 बटा b2 के। तो अगर तो उन्होंने बोला है कि ये अद्वितीय हल है, तो यानी कि ये रूल जो है ये दोनों समीकरण फॉलो करेंगी। तो a1 की वैल्यू क्या है देखोगे अगर ध्यान से, तो a1 की वैल्यू कितनी है 4, क्योंकि यहाँ x के साथ 4 लिखा है, यहाँ x के साथ a1 लिखा है, तो a1 की वैल्यू कितनी आ गई 4 बटे में, a2 की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से 2, जो कि किसके बराबर नहीं है, b1 कितना है हमारा p, बटे में b2 कितना है मेरा 2,
ठीक है, तो इस दो से ये दो कट गया, तो यहाँ से क्या आ गया कि पी जो है वो किसके बराबर नहीं होना चाहिए, चार के बराबर। ये होता है हमारा बराबर, और बराबर के ऊपर अगर एक लाइन डाल दें तो ये क्या होता है हमारा बराबर नहीं है। तो हमको बस यही लिखना है कि पी के किन मानों के लिए निम्न समीकरण का एक अद्वितीय हल है। हमें बताना है किन मानों के लिए है, हमने अभी निकाला है कि पी बराबर चार के लिए नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे, पी का मान चार को छोड़कर बाकी सभी मानों के लिए अद्वितीय हल है, मानों के लिए अद्वितीय हल है। ठीक है, क्योंकि उन्होंने क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि किसके लिए है, हमारा निकला है किसके लिए नहीं है, तो हमें फाइनल बताना पड़ेगा कि सिर्फ चार को छोड़कर बाकी सभी मानों के लिए अद्वितीय हल है, यानी कि इसकी वैल्यू 1, 2, 3, 5, 6 कुछ भी हो तो एक ही हल आएगा, और अगर नेगेटिव में भी है वैल्यू 0, -1, -2 तो भी एक ही हल आएगा, लेकिन चार अगर होगा तो एक हल नहीं आएगा। अगला उदाहरण, उदाहरण नंबर 16, फिर से वैसा ही क्वेश्चन है, k के किस मान के लिए निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। अब उन्होंने बता दिया कि जो ये दोनों समीकरण हैं इसके कैसे हल होंगे, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तो आप वीडियो को थोड़ा सा बैक करके भी देख सकते हो कि हमने जो इसकी कंडीशंस सीखी थी टेबल में वो क्या थी, अपरिमित रूप से अनेक हल की, कि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। तो इसी तरह से वही का वही काम हमें करना है कि x के साथ क्या लिखा है k, तो a1 की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास, k बटा एक्स के साथ लिखा है 12, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरा 12 बराबर b1, इसके साथ वाई के साथ क्या लिखा है 3, तो b1 की वैल्यू कितनी आ गई 3 बटे में, इसी तरह से b2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरी k बराबर c1 कितना है माइनस का k माइनस 3 बटे में c2 की वैल्यू कितनी है मेरी माइनस का k, तो माइनस से माइनस साइन मेरा कट जाएगा। दो इक्वेशंस बना लेते हैं, मान लेते हैं कि एक बार मेरा k बटे 12 3/k है, और इधर से 3/k किसके बराबर है k माइनस 3 और k के बराबर, तो यहाँ k से k कट गया, आंसर आ गया 3 बराबर k माइनस 3। अब ये 3 इधर माइनस में है, इधर जाके किसका हो जाएगा प्लस का, तो 3 + 3 मेरा आ गया कितना 6, लेकिन इधर से क्या आएगा k को k से इन दोनों को आपस में गुना करेंगे, तो k को k से गुना करेंगे तो k की शक्ति 2 बराबर 12 × 36। अब k की वैल्यू निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, अंडर रूट लेना पड़ेगा, और मैथ्स के रूल के हिसाब से जब भी हम अंडर रूट लेते हैं किसी भी संख्या का तो आंसर या तो प्लस में आता है या फिर माइनस में, मतलब दोनों संख्याएँ मेरी आंसर होती हैं, +6b और -6b। तो अब देखो यहाँ से वो क्या कह रहा है कि k की वैल्यू +6 और -6 हो सकती है, लेकिन जो ये वाला रिजल्ट कह रहा है ये क्या कह रहा है कि k की वैल्यू क्या हो सकती है +6। अब क्वेश्चन एक ही है, समीकरण एक ही है, तो दोनों तो आंसर्स नहीं हो सकते, ठीक है, दो अलग अलग इक्वेशंस को सॉल्व करके आंसर एक ही होगा, तो दोनों को सॉल्व करके जो कॉमन आंसर आ रहा है वो मेरा क्या आ रहा है k बराबर 6। तो लास्ट में आप ये लाइन लिख सकते हो अपने क्वेश्चन के एंड में कि k के मान 6 के लिए समीकरणों के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। पूरा क्वेश्चन k का मान, इसको काट के k का मान 6 के लिए रैखिक समीकरणों के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। ठीक है जी, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरे नए वीडियोस आपको मिलते रहें। अगले वीडियो में हम वज्रगुणन विधि और प्रश्नावली 3.5 के कुछ प्रश्न हल करेंगे, तब तक के